तुमने आर्या को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार किया है। वो तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी से बात कर रही है। एक मां होने के नाते मैं अपनी बेटी को उसके पापा के साथ ऐसा सलूक नहीं करने दूंगी। ओके, आर्या को जिस तरह मेरे साथ सलूक करना है करने दीजिए वेदिका जी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। और आप जानती हैं क्यों? क्योंकि आर्या मेरी बेटी जैसी नहीं है, मेरी बेटी है वेदिका जी। के बदतमीजी से एटलीस्ट हमसे बात तो कर रही है। ऐसा है मेरे कच्ची, प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज। आराम कीजिए, सो जाइए। मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। एक मिनट, तुम क्यों कर रही हो ये आर्या? नफरत में इतनी अंधी हो गई हो कि सामने का सच भी नजर नहीं आ रहा है तुम्हें। भगवान के सामने तुमने हाथ जोड़े, मतलब कुछ तो इंसानियत पूजा कर रही थी अपने पति और सास की लंबी उम्र की कामना करने के लिए। बेटा, आर्या,
एक पल के लिए, बस एक पल के लिए अपना गुस्सा ठंडा करके सोचो। मेरी बेटी बनकर ना सही, एक समझदार लड़की आर्या बनकर पूछो अपने आप से, क्या साहिल सच में ऐसा कर सकता है? इतने सालों से तुम जानती हो उसे, तो फिर एक अजनबी पे विश्वास कर रही हो, और तुम अपनी मम्मा और तुम्हारे साहिल पापा। मेरे साहिल पापा नहीं, अपना खूनी पति कहो उसे वेदिका अग्रवाल। मेरा प्यार मुझसे छीन लिया है आपके पति ने, इसलिए मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम है। चाहे कानून उसे सजा दे या ना दे, पर मैं हर दिन उसे सजा दूंगी। रोज रोज इतना तड़पाऊंगी कि आप देख भी नहीं पाएंगे। उसके जुर्म के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं आर्या, मैं तुम ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरे पति के साथ मैं गलत सलूक नहीं होने दूंगी। अच्छा, अपने पति की बेइज्जती होने से बचाना चाहती हैं आप? तो बोलिए, क्या कर सकती हैं आप अपने प्यार के लिए? कितना दर्द सह सकती हैं अपने जवान पति के लिए? आपके प्यार ने मेरे प्यार को छीना है, तो अब अपने प्यार को तड़पने से बचाने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना आपको। हाँ, साहिल अग्रवाल की सजा माफ करने की कीमत आपको चुकानी होगी वेदिका अग्रवाल। और वो कीमत ये है कि आपको अपने पति साहिल अग्रवाल को छोड़ना होगा। जब भी उसे सामना हो, उससे बदतमीजी से पेश आएंगी आप, उसे सताएंगी, तड़पाएंगी, उसे यह एहसास दिलाएंगी कि कितना बुरा आदमी है वो। और हाँ, उससे प्यार नहीं करेंगी आप, उसकी वो हालत करेंगी कि वो आपके प्यार के बिना तिल तिल के जिए। उसे यह एहसास दिलाएंगी कि उसके साथ जो हो रहा है वही उसके पापों का फल है। और हाँ, हमारे बीच हुए समझौते के बारे में साहिल और इस परिवार में से किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं जानती हूँ आप अपने पति से कभी कोई झूठ नहीं बोलती, लेकिन अगर इस बार आप दोनों में से किसी ने भी जरा से भी होशियारी दिखाई ना, तो देख लेना, अब तक जो मैंने किया है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। इससे 100 गुना ज्यादा तड़पाऊंगी मैं आपके पति को, इतना कि आप देख भी नहीं पाएंगे। तो बोलिए मिसेस वेदिका साहिल अग्रवाल, मंजूर है मेरी शर्त? नहीं ना? उफ, इतना प्यार, इतना प्यार है कि नफरत करने की सोच भी नहीं सकती आप। कैसे छोड़ पाएंगी उन्हें जब उनका प्यार और उनका रोमांस का लुत्फ उठाने की इतनी आदत पड़ गई है आपको? इस बुढ़ापे में इतना जुनून, इतनी मोहब्बत, इतनी ठरक, अरे इतनी जवानी चल रही है आपको कि अपने से आधी उम्र का लौंडा फंसा लिया अपने। आर्या, नहीं वेदिका जी, बेटियों को पलकों पर बिठा कर रखा जाता है, थप्पड़ कभी नहीं मारना चाहिए।
जानिए क्या हालत हुई है घर की, किसने डाला कूड़ा यहाँ पे? अम्मा पुनीश जी जल्दी आइए। अरे काहे इतना चिल्ला रही है? अरे नौकर को बुला और साफ करवा ले ये कूड़ा। तुझे तो ना शोर मचाने की आदत पड़ गई है बस। हाँ इस घर में कोई नौकर नहीं है। छुट्टी दे दी है मैंने, मेरा घर है मेरे हिसाब से चलेगा। और तुम सबको ही सारी शान घर में रहने दे रही हूँ, इतना काफी नहीं है तुम लोगों के लिए? अब क्या लाड साहबों की तरह नौकर चाकर भी चाहिए आसपास? एक बात मत भूलना कि तुम सब अब मेरी खैरात पे रह रहे हो। अपने रहीसों वाले नखरे ना अपने पास ही रखो और चुपचाप अपना अपना काम करो। Exactly. हाँ तो करते हैं साफ सफाई, वैसे भी अमेरिका में तो घर के सारे काम खुद ही करते थे। तुम नहीं, तुम सब में से कोई भी नहीं। तो इस सब की सफाई कौन करेगा? साहिल अग्रवाल। सही टाइम पे आया हो साहिल। बेटी का प्यार जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो ठीक है, दे दिया मैंने भी एक मौका। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम मेरा प्यार जीतने के लिए क्या क्या कर सकते हो। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ छोटा पैकेट, कुछ भी। वेरी गुड। तो ये कचरा देख रहे हो ना तुम, शुरू हो जाओ। आज से इस घर के सारे नौकरों वाले काम तुम करोगे। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ अच्छे से करना, और ये घर बहुत अच्छी तरह से चमकाना, फर्श पे शक्ल दिखनी चाहिए। और एक बात सुन लो तुम सब, अगर किसी ने भी हमारे नए नौकर साहिल अग्रवाल की मदद करने की कोशिश भी की ना, तो उस आदमी को अपना सामान लेकर घर छोड़कर जाना होगा हमेशा के लिए। दिमाग फिर क्या क्या तेरा? अरे इस पगलेट की बात सुनने की कोई जरूरत ना है। ठीक है, कर लेंगे हम अपना काम खुद ही, सब मिलजुल कर। चलो बोलो कहां से शुरू करना है। कहा ना मैंने, कोई साहिल अग्रवाल की मदद नहीं करेगा। मदद करने का बहुत शौक है ना, तो घर छोड़कर चले जाओ। एक मिनट। आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए। जी जी जाइए प्लीज। अरे हाँ सासू माम, आप जाइए ना अंदर। तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
साहिल, ये क्या कर रहे हो तुम? वेदिका जी, इसे कहते हैं दी आर्ट ऑफ क्लीनिंग, दी आर्ट ऑफ साफ सफाई। तुम छोड़ो, मैं कर लूंगी। वेदिका जी, आपको मेरे हाउस कीपिंग टैलेंट पर भरोसा नहीं है क्या? वैसे हमारी छोटा पैकेज चाहती है कि मैं घर की सफाई करूं, तो मैं कर रहा हूं। कर देता हूं ना मैं इसके लिए। आर्या ने तुमसे कहा करने के? हाँ, इट्स ओके वेदिका जी। वेदिका जी, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी बदतमीजी करोगी, अपने पापा से ये सारे काम करवाओगी? अपने संस्कार, अपनी तमीज सब भूल गई हो? कौन पापा? एक खूनी है ये, और अब इस घर का नया नौकर। आर्या, ये तुम हद पार कर रही हो, ये सब मैं नहीं सुनने वाली हूँ। एक मिनट। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे हमारी बेटी हमसे दूर चली जाए। वेदिका जी, वो 21 साल की है, 21 साल पे उसने बहुत कुछ देख लिया है। वेदिका जी, हम उसके माँ बाप हैं, हम मैच्योर हैं, हम इन सब चीजों से डील कर सकते हैं। उसे जो करना है करने दीजिए वेदिका जी, धीरे धीरे प्यार से उसे वापस लेके आएंगे। और वैसे भी ये जो कुछ हो रहा है वेदिका जी, वो आर्या नहीं कर रही है, वो कमीना क्षितिज करा रहा है उसे। अरे, मेरा घर है वेदिका जी, मैं इसकी साफ सफाई करूं तो मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं इसमें। प्लीज प्लीज, कर लूंगा, अब रिलैक्स कीजिए। वाओ, क्या रोमांटिक सीन है। तो अब रोमांस खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम भी कर लो, पूरा घर साफ करना है अभी। और हाँ, जल्दी करना, घर का कोना कोना साफ होना चाहिए। चले, क्षितिज, क्षितिज हम बात सुनो। आ, मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। अरे, कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे सगे बेटे के लिए तुम्हारे अंदर कभी तड़प नहीं जागी? कभी तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? इतने बरसों तक वो तुम्हारे प्यार के लिए तड़पता रहा, तब तुम्हारी ममता नहीं जागी? देखो, ऐसा नहीं है क्षितिज, ये केवल हम समझ सकते हैं कि इतने दिनों तुम्हारे बिना हम कैसे जिए। ऐसा एक दिन नहीं गया है जिस दिन हमने तुमको याद नहीं किया। देखो, हम मानते हैं कि हमारे आंचल की छांव तुमको नहीं मिली, हमारा प्यार नहीं मिला, लेकिन बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तुमको याद नहीं किया। देखो, तुम्हारे नाराजगी का कारण हमको समझ में आता है, लेकिन तुम साहिल के साथ बुरा व्यवहार काहे कर रहे हो? हमारे किए की सजा साहिल को काहे दे रहे हो तुम? देखो, ये जब जो कुछ भी हुआ है ना, इतना सब कुछ हुआ है ना, इस सब वेदिका की चालाकी की वजह से हुआ, वरना ये सब कुछ नहीं हुआ होता। तो उसकी सजा तुम साहिल को मत दो। देखो, तुम हमको अपनी मां नहीं मानते हो तो मत मानो, लेकिन तुम्हारे हमारे बीच में एक खून का रिश्ता है, उसे तो नहीं बदला जा सकता है ना। देखो, हम तुमको जो कहना चाह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो, तुमको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है। अरे आर्या, अरे वो तो पागल है, दिमाग खराब है उसका। अरे, साहिल और वेदिका ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है और वो साहिल के साथ ऐसा कर रही है। लेकिन बेटा, तुम तो समझदार हो ना। देखो, हमारे पास अपना ये इमोशनल ब्लैकमेल अपने तक ही रखो दीदी। हमें तो सिर्फ ये बताओ कि कैसे करोगे जो अभी तुमने कहा। जो चाहिए वो मिलेगा, वो कैसे करोगी, बस ये बताओ।